हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने जीएसटी के बारे में प्रिपरेशन की है तो इन क्वेश्चन के बारे में आप पक्का से जान लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अगर आप जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको पता है। राइट आंसर होगा सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर टू, द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी नोएडा, डी रांची। करेक्ट आंसर होगा ए न्यू दिल्ली। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी। आईजीएसटी में आई का क्या मीनिंग होता है? ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी इंटीग्रेटेड। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल। कौन सा स्टेट जीएसटी बिल की रेटिफाई मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ए असम, बी झारखंड, सी बिहार, डी गोवा। राइट आंसर होगा ए असम। इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। भारत में जीएसटी कब से इफेक्टिव का मतलब है प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी 1 जुलाई 2017। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस कर सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय द जीएसटी। इनमें से किस टैक्स को जीएसटी द्वारा अबॉलिश्ड कर दिया गया है, इसका मतलब होता है कि समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है? ए सर्विस टैक्स, बी वेल्थ टैक्स, सी इनकम टैक्स, डी कॉरपोरेशन टैक्स। इसका राइट आंसर होगा ए सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी ने सर्विस टैक्स को ख़त्म कर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? ए डायरेक्ट टैक्स, बी इनडायरेक्ट टैक्स, सी इनकम टैक्स, डी वैल्यू टैक्स। इसका राइट आंसर होगा बी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इन इंडिया इज। भारत में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है ए होम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर, डी फाइनेंस मिनिस्टर। राइट आंसर होगा डी फाइनेंस मिनिस्टर। हु इंट्रोड्यूस जीएसटी फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी किसने लाया, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले इनमें से किसने लाया था? ए फ्रांस, बी चाइना, सी इंडिया, डी यूएसए। राइट आंसर होगा ए फ्रांस ने। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी का जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है? इनमें से ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर होगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल।
जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, उनका क्या नाम था? ए अरुण जेटली, बी मनमोहन सिंह, सी सुषमा स्वराज, डी अमित शाह। करेक्ट आंसर होगा ए अरुण जेटली। इंडिया जीएसटी मॉडल हैज़ डैश रेट स्ट्रक्चर। इंडिया जीएसटी मॉडल का कितना रेट स्ट्रक्चर है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी 4। अब आगे के क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से हैं, किसका कितना परसेंटेज है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी? सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर होगा सी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसजीएसटी? एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप ही को बताना है। राइट आंसर होगा डी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी? आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी? यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राइट आंसर होगा ए। हाउ मेनी जीएसटी स्लैब इन इंडिया? भारत में कितने जीएसटी स्लैब हैं? 3, 5, 7 या फिर 4। करेक्ट आंसर होगा डी 4। व्हाट इज द जीएसटी रेट स्लैब फॉर गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जीएसटी रेट स्लैब कितने होते हैं, इनमें से कौन कौन से होते हैं? ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर होगा सी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि जीएसटी रेट स्लैब टोटल 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 5 हो गए हैं। तो देखिए, मैक्सिमम होता है 28%, मिनिमम होता है 0%। अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे 0% जीएसटी लगता है तो क्या वो कोई इफेक्ट डालता है? नहीं। इसीलिए मिनिमम 5% होता है और मैक्सिमम 28%। टोटल 4 रेट स्लैब ही होते हैं। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर इन अ जीएसटी नंबर? जीएसटी नंबर में टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? ए 18, बी 13, सी 15, डी 19। करेक्ट आंसर होगा सी 15। टोटल 15 कैरेक्टर्स होते हैं जीएसटी नंबर में, याद रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए 33। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी? इनमें से कौन सी कंट्री है जहां जीएसटी रेट सबसे हाई है? ए यूएसए, बी इंडिया, सी चाइना, डी फ्रांस। राइट आंसर होगा बी इंडिया। इंडिया में जीएसटी रेट सबसे हाई है। कितना है? 28%। व्हाट इज एचएसएन कोड इन जीएसटी? जीएसटी में एचएसएन कोड होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या फुल फॉर्म होता है? ए बी सी या फिर डी। आप वीडियो को पॉज करके एक एक ऑप्शंस को रीड कीजिएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड।
व्हाट इज एस ए सी कोड इन जीएसटी? जीएसटी में एस ए सी कोड भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। आप देखिएगा कहीं कहीं पे आपको सर्विसेस अकाउंटिंग कोड देखने को मिलेंगे। दोनों सही है। कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विदाउट पैन? क्या कोई व्यक्ति बिना पैन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है जीएसटी में? ए नो, बी यस। राइट आंसर होगा ए नो, नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर सकते हैं, एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर नॉन रेसिडेंट पर्सन। दे कैन अप्लाई इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ये भी याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? पी ए एन का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी ए एन? टैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर होगा सी, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द। गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है। व्हाट इज द लोएस्ट जीएसटी रेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे कम जीएसटी रेट कितना है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ए, 5%। व्हाट इज द हाईएस्ट जीएसटी रेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे हाईएस्ट जीएसटी कितना चार्ज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी, 28%। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी आई एन? डी आई एन का फुल फॉर्म क्या होता है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर होगा सी, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।